हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, मेरा नाम है हसीब और आप देख रहे हैं चैनल सोना पंजाब। आज हम आए एक दफा फिर से सलमान भाई के पास, क्योंकि पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं टाइसन से मुतल्लिक और इस चीज़ से भी मुतल्लिक कि डॉग शोज होने हैं तो टाइसन की क्या परफॉर्मेंस रहेगी, क्या तैयारी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो के एंड में भी लिंक दे रहा हूँ, तो पहले आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। आज की वीडियो डिफरेंट होने वाली है क्योंकि टाइसन जीत चुका है ये अवार्ड और चैंपियन बन चुका है, तो इसी से रिलेटेड ये आज की वीडियो है। आप टॉपिक भी देख चुके हैं तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी जी सर, अल्लाह का शुक्र, खुश पास सर। जबरदस्त, आप तो खुश होंगे, आपका डॉग चैंपियन बन। जी जी सर, जी जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम व्यूअर्स को बताएं कि सबसे पहले कि आपका टाइसन जो है उसने किस चीज का चैंपियन बना है, किस क्लास में बना है, और ये सारी डिटेल व्यूअर्स के साथ शेयर करें। हसीब भाई, ये जो है ये जो संडे को जो डॉग शो ईएमई सोसाइटी में सर हुआ था, उसमें ये है कि पहले जो है ये पिटबुल कैटेगरी में था टाइसन, इसने पहले अपनी क्लास विन की, उसके बाद जो है वो पिटबुल की जो कैटेगरी वो विन की, उसके बाद फिर ये चूज हो गया ऑल ब्रीड चैंपियन के लिए, जूनियर के लिए। ठीक है, फिर वहां पर हमने इसको रिंग में चलाया तो अल्लाह के शुक्र से जो है ना ये ऑल ब्रीड चैंपियन हो गया, ऑल ब्रीड चैंपियन हुआ है। ठीक है जी, अब तो इसकी डिमांड भी ज्यादा होगी, वैल्यू भी ज्यादा होगी। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ऐसे ही है सर। अच्छा, मुझे ये बताए कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा डॉग शो के हवाले से, कि आप कितने उम्मीद थे कि टाइसन चैंपियन बनेगा और कंपेटिटर कौन था, उनका भी नाम लें ताकि लोगों को इल्म हो। सर सबसे पहली बात ये कि इसको लेके हम काफी पुरुमी थे। ठीक है, और जो है इसको बगैदा जो है मैं प्रैक्टिस भी करवा रहा था, कुछ बीच में थोड़ा बहुत बीमार भी हो गया जिसकी वजह से मैं डिसअपॉइंट भी हुआ था, लेकिन फिर जो है डॉक्टर तैमूर हैं, डॉक्टर नहज हैं, उन्होंने काफी हौसला दिया। उसके बाद जो आपको पता है विकास भाई, हाँ, जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने भी मुझे काफी हौसला दिया, उन्होंने कहा आपने जो हिम्मत नहीं हारनी। सही, तो उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह करवाते रहा, क्योंकि लास्ट टाइम सीबे ये लाहौर में दो शो और दो लाहौर से बाहर हुए थे, उसमें उस टाइम ये बेबी क्लास में था, उस टाइम भी इसने जो है ना वो चारों कंपटीशन विन किए थे, इसलिए मैं इससे बहुत ज्यादा पुरउम्मीद था, तो इससे जो है ना हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरा और अल्लाह ताला का शुक्र है। और जो है मेरे तमाम दोस्तों की जो मेरे साथ जिन्होंने मेहनत की, जिनके नाम मैंने आपको बताया, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं। सही है। अच्छा व्यूअर्स को ये जरा बता दें ये कौन सा इसको अवार्ड मिला? सर ये जो अपनी कैटेगरी में खेला था पिटबुल की कैटेगरी में, ये उसमें पहले फर्स्ट आया। ठीक, जो इसकी अपनी क्लास थी, मैं करीब से भी दिखा देता हूँ। जी जी, अच्छा, और ये जो सर ये ऑल ब्रीड, जब इसमें सर ये होता है जो अपनी क्लास विन करता है उसके बाद वो ऑल ब्रीड चैंपियन के लिए सिलेक्ट हो जाता है, तो सर ये ऑल ब्रीड चैंपियन के लिए सिलेक्ट हुआ था। इसकी क्लास के अंदर पग भी थे और सैंड बर्नार्ड भी थे, उसके अलावा जर्मन शेफर्ड भी थे और पिट भी थे, वो बेसिकली ओवरऑल ब्रीड के जो जूनियर जो अपनी क्लास विन करके आए थे इसमें ओवरऑल में, फिर ये इसने वॉक पर रखी और जो है वो बाकी अल्लाह ने करम किया, ये जो है वो फिर इंशाल्लाह जीत गया। जबरदस्ती जबरदस्त। ठीक है व्यूअर्स, ये मैं करीब से दिखा रहा हूँ, इसके अवार्ड आप देख सकते हैं। अच्छा सलमान भाई, अब आपने व्यूअर्स को बताना है कि अगर कोई न्यू बिगिनर है, मिसाल के तौर पे अगर मैं न्यू बिगिनर हूँ और मैं डॉग की चैंपियनशिप खेलना चाह रहा हूँ, डॉग शो खेलना चाह रहा हूँ, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मुझे जेहन में होनी चाहिए? सर सबसे डॉग की जो है ना एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए कि डॉग आपके साथ ट्रॉट करे, ट्रॉट बहुत जरूरी है। उसके बाद डॉग के जो है ना पॉइंट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, स्टैक में वो बहुत अच्छा खड़ा होना चाहिए। सर यही पॉइंट है जिसको जो है ना वो जज करता है और जो है ना इनको फर्स्ट सेकंड और तीसरी पोजीशन पे लगाता है। मतलब डॉग की आपके साथ बॉन्डिंग भी होनी चाहिए, आपके कदम के साथ वो ट्रॉट करें। बिल्कुल सर, ये चीजें बड़ी मैटर, ये चीजें सर मैटर करती है, क्योंकि इन्हीं चीजों की बिना पे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर जो है ना वो जज जो है ना आपको जज करता है आपके डॉग को और उसको विनर करा देता है। बिल्कुल सही, और बाकी एक्सरसाइज आपने बता दी है वो रेगुलर रहनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज। अच्छा अगर डॉग शो आ रहा है, मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ पिटबुल्स की बात कर रहा हूँ, पिटबुल की बात कर रहा हूँ, क्या डाइट प्लान होना चाहिए कि अगर तीन हफ्ते बाद डॉग शो है? सर देखिये डाइट प्लान इतना कोई खास नहीं होना चाहिए, उसमें यह है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें, विटामिंस पूरे करें और इनको प्रोटीन आपको पता है बहुत जरूरी है, काफ बहुत जरूरी है, तो सर ये चीजें जो है ना इनको पूरी अच्छे तरीके से डलती रहें तो ये कुत्ता सेहतमंद रहता है सर। ठीक हो गया, ठीक। और क्योंकि सर हर डॉग का प्लान थोड़ा मुख्तलिफ होता है, वो इस तरह सर किसी को जो है ना एलर्जी होती है, जैसे मेरे पास कुछ डॉग है उनको रोटी से एलर्जी में उनको नहीं डाल सकता, कुछ को राइस से एलर्जी में उनको नहीं डाल सकता, तो सर हर एक तो मुख्तलिफ वे से जिसको
एडजस्ट कर जो उस वे से लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल सही है, मतलब कि आपके बताने का मकसद ये जो इस ब्रीड की डाइट है जरूरी नहीं है वो दूसरी ब्रीड की डाइट। बिल्कुल सर बिल्कुल। सलमान भाई तैयारी के हवाले से एक्सरसाइज के हवाले से भी व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा जो न्यू बिगनर्स हैं। ठीक है सर, वो जरा बताइएगा। सर इसमें ये था कि मैं ग्राउंड में इसको सुबह के टाइम ले जाता था और इसकी ट्रॉट वगैरह कराता था, फिर किसी दोस्त से कहता था मुझे जरा वीडियो बना के दिखाए, उसके बाद मेरे टीचर ने उनको मैं सेंड करता था, फिर बताते थे कि यार यहाँ पे पॉइंट ठीक है यहाँ पे पॉइंट नहीं सही, वो मिस्टेक पॉइंट मिस्टेक पॉइंट मुझे बताते थे, उसके हिसाब से मैं जस्ट करके तो सर बस उसको बेहतर कर लेते थे तो बस वो इसी तरह जो है ना मिलजुल के सामने जो साथ दिया और जो है ना ये जीत गया। जबरदस्त बात वही आ गई जी, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है जी, आपने जो है अगर ट्रॉट करवाना तो आपको उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, टाइम देंगे तभी डॉग जो है वो बनेगा हेल्थ वाइज भी और चैंपियन भी ऐसे ही बनेगा। ठीक हो गया जी, आप ये देख सकते हैं मैं डॉग भी आपको पूरा दिखा रहा हूँ, इसके मसल्स पूरे टोंड किए हैं और बड़ी अच्छी हेल्थ है इसकी और इस दफा एक्टिव लग रहा है। सलमान भाई क्या चक्कर है ये? सर जीता हुआ ना, सिरे चढ़ा हुआ है। इसको भी पता चल गया चैंपियन बन गया, थोड़ा सा उसका बनता है नखरा, कोई बात है। ऐसे ही है सर। ठीक है, मैं इस वीडियो में सलमान भाई का नंबर भी डाल रहा हूँ ताकि जो न्यू बिगनर्स हैं खास तौर पे वो कोई गाइडलाइन लेना चाहे या अगर आप किसी डॉग या पप में इंटरेस्टेड है इस ब्रीड के तो आप सलमान भाई से रब्ता कर सकते हैं या आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। बाकी ये है कि आपने इनको कॉल कर करके तंग नहीं करना, ठीक है, कोशिश करें व्हाट्सएप पे रब्ता करें, बहुत कोई अर्जेंट बात है तो ही कॉल करें। ठीक है जी, आपने जरा अपना नंबर भी दोहराओ सर, 03081111000। ठीक है, तो ये सलमान भाई का नंबर है, इसी पे व्हाट्सएप है? जी सर इसी नंबर व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अब आपने ये नहीं कहना शुरू कर देना हमें 250 दे दें। ठीक है, अपना शौक है। ठीक है, तो जो है मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगली बार इसी तरह किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा तेज करें, थोड़ा सा तेज करें, सही नहीं, वो देखो पिछला भी सही ट्रॉट करा, पीछे देखो अगला भी नहीं कर रहे, वो पिछला देखो क्यों लाने हो, देखो पूरा प्रॉपर ट्रॉट कर। कैटलॉग नंबर 091 फर्स्ट प्लेस में हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस में आदिल भाई 091। चले चले मूव करते रहे, फर्स्ट पे हो जाए, चले मूव करें, तीनों कैटलॉग नंबर 091 प्लेस फर्स्ट, कैटलॉग नंबर 121 प्लेस सेकंड एंड कैटलॉग नंबर 094 प्लेस थर्ड। ओ आदिल भाई जीत गए, ओ ये आदिल भाई यार, हाँ मुझे जीत गया टाइटल।